में पढ़ चुके हैं। क्लास 11 में जो फोर्स पढ़ा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दोनों फोर्स हमारे फंडामेंटल फोर्सेस के पार्ट हैं। फंडामेंटल हमारे चार फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स में ही मैग्नेटिक फोर्स आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये चार तरह के फोर्सेस हैं, उसमें पहले दो कौन से हैं, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये वो वाला फोर्स हमने पढ़ा। तो नॉर्मली इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज में आपने पढ़ा है दोनों फोर्स लगाते हैं, दोनों सेंट्रल फोर्स है, यानी इसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। और इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज जीरो, जहां से स्टार्ट किया वही वापस आ जाएगा अंडर दैट फोर्स, तो वर्क डन विल बी जीरो। ये सेंट्रल फोर्स की एक क्वालिटी है। और ये दोनों फोर्स कैसे हैं? सेंट्रल फोर्सेस। उसके बाद दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने पढ़ा हुआ है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ये इसकी सिमिलैरिटी है। इसके बाद जो नोट्स आपको मिले हैं उस नोट्स में देखिए, पेज नंबर 5 में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज लिखी है ग्रेविटेशनल फोर्स और, तो ये आपको थोड़ी सी याद रखनी है। दोनों F is proportional to 1/r2 है, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं और दोनों फ्री स्पेस में काम करते हैं, यानी डिस्टेंस का इसमें मीडियम नहीं चाहिए, डिस्टेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना दूर भी डिस्टेंस हो, सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बहुत डिस्टेंस तक काम कर लेते हैं दोनों। तो इस तरह से ये इनकी सिमिलैरिटीज है। उसके बाद डिफरेंसेस, मेनली डिफरेंसेस आपको याद रहने चाहिए। तो डिफरेंसेस इसमें क्या होते हैं उसको देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स है, उसमें रिपल्शन नहीं होता। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिमिलर चार्जेस अगर होंगे तो उसमें रिपल्शन होता है, ये हमने देखा। और दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम का कॉन्स्टेंट नहीं होता, that is g is a universal constant, g m1 m2 upon r square, g की permanent एक ही वैल्यू है और उसको मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। कि दो मास के बीच में अगर वाटर है या दो मास के बीच में एयर है तो लगने वाला फोर्स एक समान ही होगा, that does not make any difference। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स में हमने पढ़ा है कि अगर बीच में मीडियम होगा तो उसकी परमिटिविटी के कारण फोर्स अलग अलग हो जाएगा, पानी का फोर्स कम होता है और अगर एयर बीच में हो तो फोर्स ज्यादा होता है, फ्री स्पेस में सबसे ज्यादा होता है। और उसका दोनों का डिफरेंस, दोनों में से एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत वीक फोर्स माना जाता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करने जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से नियरली 10^39 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ग्रेविटेशनल, दिस इज ऑलमोस्ट 10^39, एग्जैक्ट 2.26, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन उसके बाद भी इस दुनिया में जो यूनिवर्स हमारा चल रहा है, अर्थ मून दूसरे स्टार्स जो चल रहे हैं, ये सब में हमको ग्रेविटेशनल फोर्स दिखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमको इस दुनिया में नहीं दिखता है, बहुत कम दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये रीजन कभी कभी पूछा जाता है that why electrostatic force is not visible and gravitational force is more visible. तो इसका आंसर देखिए, electrostatic force दो charges के बीच में लगता है और इस दुनिया में atom का net charge क्या होता है? Zero. Molecules का zero, material का zero, इस पूरे अर्थ का zero.
अगर चीजों पे जीरो चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे? जीरो फोर्स लगाएंगे, और जीरो फोर्स लगाती है इसलिए वो फोर्स हमको कहीं भी विजिबल नहीं, क्योंकि वो लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण है? मास के कारण। अब मास तो हर चीज में होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसमें m1 m2 क्या है? मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट है अर्थ, मून, मार्स, सन, इनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं। इतने ज्यादा मासेस होते हैं कि इनका जो फोर्स होता है वो फोर्स दिखने लगता है, फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। द फोर्स इज कंसिडरेबल बिकॉज ऑफ लार्ज मास। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज विजिबल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉट विजिबल, बट विच इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लेते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे, तो एक प्रिंसिपल तो ये है, देखिए, वन चार्ज इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द अदर चार्ज। मान लो ये चार्ज इस चार्ज पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, रिपेल कर रहा है। यहां पर ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, यहां पर हमने एक दूसरा चार्ज रख दिया, दिस चार्ज इज Q3। तो अब जैसे ही इस चार्ज को रखते हैं, ये वाला जो फोर्स है 10 न्यूटन, विल इट रिमेन 10 न्यूटन, विल इट बिकम मोर और विल इट बिकम लेस? द आंसर इज देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। और हमारा प्रिंसिपल इसको हमने यहां पे रखा, देखिए ये इस पर एक फोर्स लगा सकता है, लगाएगा। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तो अब इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो। लेकिन ये वाला जो फोर्स है इसका हमने नाम रखा F21। तो ये जो F21 है ऑन चार्ज 2 बिकॉज ऑफ चार्ज 1, ये F21 इसकी क्वांटिटी जो 10 न्यूटन है ये नहीं बदलेगी। इसने फोर्स लगाया यहां पर, ये वाला फोर्स लग गया सपोज 5 न्यूटन, तो अब इस पे दो फोर्स लग गए, तो ये रिजल्टेंट इसका जो भी निकलेगा रिजल्टेंट के रूल से उतना निकलेगा। लेकिन ये वाला इस पर पहले भी 10 लगा रहा था और अब ये चार्ज आ गया तो भी 10 ही लगाएगा, देयर विल बी नो चेंज। इसके बाद अगर हम इस चार्ज को उठा के यहां रख देंगे इसके बीच में, तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, नाउ दिस 5 न्यूटन विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये इस पर पहले कितना लगा रहा था 10 न्यूटन, अब ये बीच में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये इस पे कितना लगाएगा 10 न्यूटन। तो हमने एक प्रिंसिपल याद किया, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज एनीवेयर, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेस। ये समझ आया? ये एक प्रिंसिपल, तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई चार्ज कहीं भी आया, ये इस पर चार्ज लगा रहा है उस पर भी लगाएगा, इस पर फोर्स लगा रहा है इस पर भी फोर्स लगाएगा, उससे इस फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है? ये एक प्रिंसिपल। अच्छा, दूसरा देखिए, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस दैट सेज देयर इज वन चार्ज Q1, इन द नेबरहुड देयर इज अनदर चार्ज Q2, this Q2 is applying charge on Q1. Yes. There is another charge Q3. Q3 is also applying force on Q1. ये ऐसे force लगा रहा है. There is another charge here Q4. Suppose this is negative, so this will attract it. और ये इधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन,
So this charge will be under so many forces because of each charge. तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आई that if there is more than one charge in the field, then the charge will be applied force by all the charges. That on one charge, the force will be applied because of all the charges which are present in the neighborhood. सब इस पर फोर्स लगाएंगे, ये एक चीज. दूसरा, इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा, the net force on one charge is equal to the vector sum of all the forces because of the other charges. टू वन पर फोर्स लगा रहा है, थ्री वन पे फोर्स लगा रहा है, फोर वन पे फोर्स लगा रहा है, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे. वेक्टर सम करेंगे, जो वेक्टर सम आएगा दैट विल बी द टोटल फोर्स ऑन दिस चार्ज. बस ये बड़ा सुंदर सीधा प्रिंसिपल है और इसको हम लोग वेक्टर जेब्रा में भी पढ़ चुके हैं. अब ये जो फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ के फोर्स वाले, ओ यू आर राइट, F on 1 due to 2, F on 1 due to 3, F on 1 due to 4. This is correct. तो ये है पूरा F जो कि 1 पर लग रहा है. So this is our principle of superposition. यानी एक force पे दूसरा force superpose करेगा, उस पे तीसरा force superpose करेगा. तो इस पर जो net force लगेगा वो कितना लगेगा? Net force will be vector sum. अब फोर्स का जो वेक्टर सम होता है उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. फोर्स का वेक्टर सम कैसे निकालते हैं? तो हम लोगों ने ये पहले किया हुआ है, इसके तीन चार प्रिंसिपल उसको थोड़ा सा याद करिए. ये एक फोर्स है, फोर्स वन, और ये एक फोर्स है उसी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स टू. तो इसका नेट फोर्स कितना होगा? दिस नेट फोर्स विल बी F1 plus F2. ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे बिकॉज वी आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, सिंपल. दूसरा देखिए, एक पॉइंट पे एक F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है. अब रिजल्टेंट F कितना होगा? F1 minus F2. इन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस बिकॉज दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन. तीसरा, इफ एफ वन इज एक्टिंग इन वन डायरेक्शन एंड एफ टू इज एक्टिंग एट राइट एंगल टू इट, एफ टू और ये एफ वन, इनके बीच 90 डिग्री एंगल है. नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर. ये आपको याद है, ये इस तरह से हमने बनाया था और ये पैरेललोग्राम. तो ये तीन चीजें हम लोग बहुत यूज करेंगे. इस तीन के अलावा अगर चौथी चीज आएगी दैट विल बी इफ देयर इज एन एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस. और ये भी आपको याद होगा, एफ वन एफ टू आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? Yes, F1 square, F2 square, plus 2 F1, F2, cos. ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हमारे एडिशन के मेथड, फोर्स के एडिशन के मेथड्स. अब देखिए, हमारे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें दो चीजें कंबाइन की. एक जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके कारण होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण. जब हमको एक फोर्स की कैलकुलेशन करनी होगी तो हम कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे दैट F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. लेकिन जब एक से ज्यादा फोर्सेस उस पर लगेंगे उस समय हम F कैसे निकालेंगे? उनका वेक्टर सम करके. ये वेक्टर सम करके उस समय हमारा कौन सा नॉलेज काम में आता है? फोर्सेस को आपस में जोड़ दो.
किस तरह से जोड़ते हैं, तो इस तरह से हमारे जो तीन मेथड हैं, ये तीनों मेथड हम लगाएंगे और वेक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे। ये दोनों चीजें मिलाकर जब फोर्स को जोड़ना घटाना है, उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, रिजॉल्व करना है, उनको आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए हम वेक्टर को यूज करेंगे, वेक्टर के प्रिंसिपल को। और जब फोर्स की वैल्यू निकालनी, कितना फोर्स है, तब कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के हम लोग सम्स बना सकते हैं, दूसरे सम्स भी बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद अब आप इसके न्यूमेरिकल्स देखिए, विच आर न्यूमेरिकल्स फॉर प्रैक्टिस। इसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने किया हुआ है, दैट विल बी ए स्फीयर। इस स्फीयर के पास कुछ चार्ज है, लेट अस से इट इज क्यू। इस स्फीयर के पास भी चार्ज है, लेट अस से इट इज क्यू। ओके, दोनों को एक जैसा क्यों मानना है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स, इसलिए दोनों के चार्ज आइडेंटिकल है। Now we have brought one sphere which is uncharged and brought in contact with it. इसके साथ अगर contact में आएगा, इसके पास charge नहीं है, तो क्या होगा? कौन सा action होगा? The answer है, these charges which repel each other, some of these charges will be repelled to this sphere. इसलिए इसके कुछ charges इसमें आ जाएंगे। कितने charges आ जाएंगे? तो इसका आंसर है, दोनों तरफ से टेंशन बराबर कब होगा, जब दोनों के चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइज इक्वल है। तो इसमें Q में से इसके पास कितने चार्ज आ जाएगा, Q by 2, और इसके पास भी कितना चार्ज बचेगा, Q by 2। उसके बाद यहां से हमने इसको हटा लिया, और हटाकर ये वाले स्फीयर को इससे टच कराया। जब इससे टच कराते हैं तो इसके पास कितना चार्ज है ऑलरेडी, Q by 2, और इसके पास Q है, ये चार्ज ज्यादा, ये चार्ज कम। अब इसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, Q by 2 plus Q by 2, ये दोनों को आपस में ऐड करिए और हाफ हाफ इक्वल बांट दीजिए, तो कितना आ जाएगा इसके पास, ये दोनों के पास हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाले दूसरे स्फीयर को भी यहां से हटा दिया, ये दूसरे स्फीयर को यहां से हटा दिया। ये दोनों स्फीयर हट गए, अब इसमें फिर से फोर्स लग रहा है। पहले इन दोनों के पास Q और Q चार्ज था, तो इसमें फोर्स कितना लग रहा था, फोर्स बिफोर, बिफोर आवर एक्शन व्हाट वाज द फोर्स, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। आफ्टर द एक्शन व्हाट इज द फोर्स, 1/4πε0। और आप बताइए किस चार्ज, कौन कौन से चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, क्यू बाई टू एंड 3/4, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, में कोई डिफरेंस नहीं आया, आर स्क्वायर ये आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई करके अब ये निकाल कर बताइए, फोर्स आफ्टर डिवाइडेड बाय फोर्स बिफोर, आफ्टर टचिंग बिफोर टचिंग, ये कितना होता है, दिस विल बी अवर आंसर। इन दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने से ये आ जाएगा, फोर्स आफ्टर इज 3/8 ऑफ द फोर्स व्हाट वाज एप्लीकेबल बिफोर द कॉन्टैक्ट। तरीका समझ में आ गया? ओके, अब इसके बाद देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इसके इक्वल है, और हर साइड कितना है, 5 सेंटीमीटर। Three
इक्वल चार्जेस, ई चार्ज इज 2 × 10⁻⁶ कूलर, दिस इज क्यू यहां रखा है, एक क्यू यहां है, एक क्यू यहां है, थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट थ्री कॉर्नर्स, फाइंड द कूलम फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू अदर, इस पर जो कूलम फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, वो हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, इसका फोर्स निकालेंगे इस पे, इसका फोर्स इस पर निकालेंगे और सब फोर्सेस को आपस में ऐड करेंगे। तो पहले फोर्स की डायरेक्शन, दिस क्यूब विल रिपेल दिस क्यूब इन दिस डायरेक्शन, सो दिस इज वन एफ, this cube will repel this in this direction. Now the quantity of q is same, sab jagah q ek jaisa hi hai, there and the distance r, this is also same. To ye dono force bhi kaise honge, quantity dono ki ek saman, magnitude how much will be that magnitude. तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहां पर हम कूलम्स लॉ को यूज करेंगे। तो कूलम्स लॉ क्या बताता है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय Q1 × Q2, 2 × 10⁻⁶ × 2 × 10⁻⁶ दिस अपॉन आर स्क्वायर, आर इज डिस्टेंस एंड वी शुड टेक इट इन SI यूनिट्स। तो SI यूनिट्स में 5 सेंटीमीटर कितना होता है, 5 × 10⁻², इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर। सो F इज इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2/r²। इसको सिंप्लीफाई करिए, पावर 9 − 12 और ये माइनस 4 ऊपर जाके प्लस, इन जो 10⁻¹. सो कितना बोलो 14 ओके, दिस ये एफ की वैल्यू ये हमने निकाली और अभी इसको हमने रोक के रख दिया, ठीक है। ये एफ इधर भी लग रहा है और इतना ही एफ इस तरफ भी लग रहा है, अगर ये दोनों तरफ इतना इतना एफ लग रहा है तो रिजल्टेंट कितना होगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, हम चाहे तो इसके रिजॉल्व करके कॉम्पोनेंट निकाले, कॉम्पोनेंट को आपस में जोड़े, या दूसरा मेथड है वो शायद ज्यादा छोटा होगा, ये एंगल हमको पता है इसलिए ये एंगल भी कितना होगा 60। तो अगर ये 60 है, ये 60 है और ये f की वैल्यू हमको मालूम है तो रिजल्टेंट f कितना हो जाएगा, f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2 f1 f2 इनटू cos This is equal to 2f² + 2f² cos 60 is equal to 1/2
So this is root 3 into f. ये रिजल्टेंट f आ गया. अब यहाँ पर f की ये वैल्यू रखते हैं 14.4, रूट थ्री की वैल्यू भी रख देंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये गेट रिजल्ट. ठीक है, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो आंसर है डायरेक्शन यहां पर चूंकि दोनों इक्वल है इसलिए डायरेक्शन बीचों बीच होगी. इसके साथ कितना एंगल बनाएगी? ठीक है, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस विल बी क्वांटिटी ऑफ फोर्स. सो फाइनली फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 1.71 इंटू 14.4. ये आ गया, दिस इज अवर रिजल्ट. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. वैसे मैथमेटिकली हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इसको यही रखना चाहिए फोर्स. तो ये कितना लेना है? 72/5, ये ठीक है. और दिस इज इक्वल टू रूट 3, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रूट 3. और ठीक है, इट विल कम टू द सेम थिंग. सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा दैट विल बी 24.48. दिस इज एंड व्हाट शुड बी इट्स यूनिट? फोर्स की यूनिट क्या होती है ऐसे सिस्टम में? न्यूटन. सो दिस विल बी, दिस इज अवर आंसर. तो यहां पर आप देखिए हमने दो चीजें यूज की है, एक कूलम्स लॉ फोर्स निकालने के लिए, बस वो सिर्फ उसी के लिए ही यूज होता है. बाकी पूरा क्या यूज हुआ है? लॉज ऑफ फोर्सेस, वेक्टर में एडिशन कैसे होता है उसको हमने यूज किया. ठीक है, तो इसके बाद अब आप नेक्स्ट देखिए. देयर आर टू चार्जेस, चार्ज पार्टिकल्स, वन हैज गॉट -3q लोकेटेड एट वन लोकेशन and there is another which has got charge -q that is located here. At one point a third charge particle can be placed such that all the three particles are in equilibrium. Equilibrium word जो आया है वो क्या बताता है? Equilibrium means the net force on a particle is zero. Net force on the particle is zero. And when that we say that complete system is in equilibrium, that means the net force on every particle is zero. Net force on every particle. अब एक हमारे पास, उन्होंने बोला एक चार्ज पार्टिकल को हमको कहाँ रखना चाहिए ताकि ये सिस्टम, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे. फिलहाल ये सिस्टम कैसा है? माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. तो ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है. क्यों? इस पे भी नेट फोर्स काम कर रहा है, इस पे भी नेट फोर्स काम कर रहा है, एंड दे विल बी रिपेल. अब हमने एक तीसरा चार्ज रखना है. ओके, तीसरा चार्ज का हमको दो चीजें डिसाइड करनी है. नंबर एक, उसका नेचर कैसा होगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. और नंबर टू, उसको किस जगह पर लोकेट करना है ताकि सब पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो. अगर हम वो चार्ज नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं. अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो नेगेटिव इन दोनों को क्या करेगा? रिपेल, और ये पहले से ही रिपेल हो रहे हैं, इसलिए ये सिस्टम नेगेटिव चार्ज के साथ कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता. कहीं भी नेगेटिव रखिए रिपेल ही करेगा. तो वो आंसर रूल आउट हो गया. अब क्या बचा? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज को कहां रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो हमारे पास तीन प्रोबेबल लोकेशंस है. वन लोकेशन इज दिस, वन लोकेशन इज समवेयर इन बिटवीन, एंड थर्ड लोकेशन इज ऑन द राइट साइड. तीनों जगह ट्राई करके देखते हैं. यहां हमने प्लस रखा. ओके, प्लस ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट. ये भी क्या करेगा? इस पर दोनों फोर्स कैसे लगे?
इस तरफ, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या ये अपनी जगह पर रुकेगा? आंसर है नहीं रुकेगा, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग। तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आया। यही चीज यहां पर भी होगी, अगर हमने यहां प्लस क्यू रखा, इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट इट दिस वे, दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट इट दिस वे, एंड इट विल बी अट्रैक्टिव, इट विल स्टार्ट मूविंग, सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब हम अगर प्लस को यहां रखते हैं, समवेयर इन बिटवीन, कोई एक जगह निकाल के हमने यहां पर प्लस क्यू रखा, ये वाला माइनस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट दिस माइनस विल ऑल्सो अट्रैक्ट दिस, दोनों ने इसको अट्रैक्ट किया, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। अगर दोनों तरफ फोर्स लगेंगे तो वो बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस करेंगे तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, इट विल नॉट बैलेंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई, पर हमको ये भी चेक करना है कि क्या ये दोनों भी रिपेल होना छोड़ देंगे। तो सुनिए, ये माइनस को ये प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट। इस माइनस को ये माइनस क्या करेगा? रिपेल। दोनों तरफ फोर्स हो गए, तो ये भी कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम। इसको देखिए, इस माइनस को ये प्लस क्या करेगा? अट्रैक्ट। और इस माइनस को ये माइनस क्या करेगा? रिपेल। इस तरफ इसके भी दोनों तरफ फोर्स हो गए, ये भी इक्विलिब्रियम है। अब इस पे फोर्स जीरो, इस पे फोर्स जीरो, इस पे फोर्स जीरो, और अगर फोर्स नहीं लगेगा तो तीनों मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, अपनी अपनी जगह पर रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। तो हमने इसकी शर्त याद कर ली, क्या शर्त याद कर ली? कि माइनस माइनस, और ये हमको कौन सा लेना पड़ेगा? पहली चीज, उनको बैलेंस करने के लिए हमको प्लस ही चाहिए, निगेटिव उनको इक्विलिब्रियम में नहीं ला सकते, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, उस प्लस की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए? दोनों माइनस के बीच में किसी जगह पर, जहां भी बैलेंस करेगा, पर रहेगा दोनों के बीच में। ठीक है, अब इसी के सिमिलर केसेस देखिए, अगर ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कैसा चार्ज लेना होगा? नेगेटिव। और कहां रखना होगा? बीच में कहीं पर रखना होगा, लेकिन इनके बीच। अच्छा, आप बताइए, अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब हमको कौन सा चार्ज लेना चाहिए जो इसको हम इक्विलिब्रियम में ला सकें? प्लस या माइनस? दोनों, मतलब दोनों में से कोई भी। अगर प्लस को लेंगे तो किधर रखेंगे? लेफ्ट राइट की सेंटर, लेफ्ट राइट, कौन सा? प्लस। अगर हम प्लस लेंगे तो यहां रख देंगे, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। अगर माइनस लेंगे तो लेफ्ट में रख देंगे, माइनस माइनस बीच में, प्लस इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो इस तरह से अब से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में कैसे रहता है। तो एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमको कम से कम कितने चार्ज चाहिए? थ्री। थ्री में से दो चार्ज एक तरह के होंगे, एक नेचुरली दूसरी तरह का होगा। अगर तीनों एक जैसे होंगे तो सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। एक चार्ज का नेचर हमेशा कैसा होना चाहिए? अपोजिट। और वो चार्ज हमेशा कहां पर होना चाहिए? एट द इन बिटवीन द टू चार्जेस, तब जाकर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये समझ में आ गए? ओके, तो हमारा क्वेश्चन था, इज दैट पॉइंट टू द लेफ्ट, दे आर राइट और बिटवीन, तो आंसर क्या आएगा? शुड द थर्ड पार्टिकल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? तो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड पार्टिकल कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद है, इज द इक्विलिब्रियम स्टेबल और अनस्टेबल? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। देखो, ये
हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं तो इसके सारे पार्टिकल नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये वर्टिकल ऐसा खड़ा हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया क्योंकि अभी चल नहीं रहा, ठीक है। दिस इज इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। अगर मैंने इसको यहां पर रख दिया, अभी भी ये वर्टिकल है, फिर से ये इक्विलिब्रियम में है, ये वर्टिकल है और ये भी वर्टिकल है, दोनों केसेस में ये इक्विलिब्रियम में है। पर अब एक चीज देखिए, इस इक्विलिब्रियम को मैंने डिस्टर्ब किया, किस तरह से डिस्टर्ब किया, ये और छोड़ दिया, वापस आ गया, ये डिस्टर्ब किया छोड़ दिया वापस आ गया। अब मैंने इसको यहां रखा और इसको डिस्टर्ब किया तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब किया छोड़ा गिर गया, इसको डिस्टर्ब किया छोड़ा गिर गया, किसी भी केस में ये वापस नहीं आया, जबकि इसमें क्या हो रहा था, यहां से हमने डिस्टर्ब करके छोड़ा वापस आ गया, इधर डिस्टर्ब करके छोड़ा वापस आ गया। तो ये वाला इक्विलिब्रियम और ये वाला इक्विलिब्रियम, इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल और इसको बोलेंगे अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल, उसको डिफरेंशिएट कैसे करना, व्हेन ए सिस्टम विच इज इन स्टेबल कंडीशन देयर इज ए डिस्प्लेसमेंट डन, ए डिस्प्लेसमेंट डन इन ए पार्टिकल, इफ द सिस्टम रिटर्न दैट पार्टिकल बैक टू इट्स पोजिशन then the equilibrium is stable. But if the system starts moving in the same direction, then it is unstable. समझ में आया? तो इस तरह से इसको हमने ऐसे घुमा के छोड़ा, ये वापस आया, तो दिस इज स्टेबल। अब इस चीज को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अप्लाई करते हैं, ये एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसका मतलब क्या है, इधर लगने वाला फोर्स अट्रैक्शन का और इधर लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स, दोनों फोर्स आपस में कैसे है, इक्वल, इक्वल एंड अपोजिट, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कहीं भी मूव नहीं कर रहा। नाउ लेट अस सपोज इसको हमने उठाकर यहां पर दिया एंड वी हैव डिस्टर्ब्ड इट, यहां पर दिया, डिस्प्लेसमेंट किया, पहले इसकी ये पोजीशन थी और यहां डिस्प्लेस करके हमने इसको छोड़ दिया। अब हमारे दिमाग में दो कंडीशंस हैं, अगर ये सिस्टम इसको वापस यहां ले जाएगा अपने आप, तो इस इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। और अगर हमने छोड़ा और ये और इधर चलते चला गया, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल। ये होता है स्टेबल और अनस्टेबल। अब इसको चेक कर लेते हैं, यहां पर हम इधर ले गए, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कैसा हो गया, कम हो गया। अगर डिस्टेंस कम हो गया तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा, तो राइट साइड वाला फोर्स इंक्रीज हो गया, इतना बड़ा वेक्टर हो गया। यहां से पहले ये इतने डिस्टेंस पे था, अब इसका डिस्टेंस यहां बढ़ गया, तो इधर का फोर्स कैसा हो गया, कम। पहले दोनों फोर्स कैसे थे, इक्वल, इसलिए ये इक्विलिब्रियम में था। अब इस तरफ का फोर्स बढ़ गया और इधर का फोर्स छोटा हो गया, तो नेट फोर्स किस तरफ आ गया, राइट साइड। तो ये ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा, राइट साइड में, और राइट साइड में अगर गया तो हमने पहले फैसला करके रखा था ये क्या है, अनस्टेबल। अगर स्टेबल होता तो किधर वापस आता, लेफ्ट। समझ आया? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम जो इस टाइप के होते हैं, वो इक्विलिब्रियम होते हैं लेकिन अनस्टेबल। अगर किसी को हमने डिस्टर्ब कर दिया, देन इट विल गो ऑन मूविंग एंड इट इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये आंसर समझ में आ गया आपको, तो ध्यान रखें इसके बीच में एक स्मॉल क्यूब रखा है, ये दो कैपिटल के चार्ज, ये सेंटर में रखा है। अगर ये सेंटर में रखा है तो इसका मतलब दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल है। इन दोनों तरफ के डिस्टेंस को हम एक जैसी क्वांटिटी मान सकते हैं, लेट दिस क्वांटिटी बी आर। अब हमको ये बोला गया है
prove that if this is in equilibrium, then we have to prove that Q is equal to Q upon E4. Okay, so this is in equilibrium. Equilibrium means the force on any one charge is zero. अगर ये दोनों प्लस और प्लस है तो ये कैसा होना चाहिए? ये तो माना हुआ है, उसके बिना तो इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता. सो लेट अस सपोज और ये माइनस. एनी अब इस पर कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस ऑन फर्स्ट चार्ज. इसके कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्यू क्यू माइनस अपॉन आर स्क्वायर. ये कौन सा फोर्स है? द फोर्स बिटवीन फर्स्ट टू चार्जेस. अब इसी चार्ज पर ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा. ये फोर्स कितना होगा? तो उस फोर्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ये फोर्स होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर और प्लस इनटू प्लस. ये वाला फोर्स किसका? इसके कारण है माइनस क्यू के कारण. और ये वाला फोर्स किसके कारण है? प्लस क्यू के कारण. और ये दोनों फोर्स को ऐड किया, ये दोनों किस पर लग रहे हैं? ये दोनों इस पे लग रहे हैं. सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि नेट फोर्स कितना होगा? इन दोनों को मिलाकर होगा. और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो. तो ये नेट फोर्स निकला, इसको किसके बराबर होना चाहिए? जीरो. ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए और निकाल कर बताइए ये वाला रिजल्ट. इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. आया ये माइनस वाली क्वांटिटी इधर आके प्लस हो गई, उसके बाद एक क्यू कैंसिल हो गया और एक क्यू बच गया, बाकी सब चीजें कैंसिल हो गई. सो दिस स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर. सो दिस इज एयर फोर्स.